धनतेरस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के 48 नवनियुक्त जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी ईमानदारी के साथ सुचितापूर्ण और पारदर्शी ढंग से चयनित होता है तो उसके काम में भी ईमानदारी झलकती है। समर्पण के साथ वह जीवन भर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, लेकिन जब सिफारिश और जुगाड़ से नौकरी मिलती है तो वही कुंठित भावना को जन्म देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में शुचिता, ईमानदारी और पारदर्शिता सबसे प्रमुख तत्व है। जुगाड़ नहीं, योग्यता ही चयन का मानक है। जो युवा नौकरियां पा रहे हैं वह योग्य हैं और समर्थ हैं, और इस योग्यता और समर्थ का लाभ प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को सिंचाई और जल संसाधन विभाग में नव चयनित 1438 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे थे। गोरखपुर के NIC हाल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में CDO इंद्रजीत सिंह, गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह, विधायक संगीता यादव सहित नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले इंजीनियर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नवनियुक्त जूनियर इंजीनियरों व CDO इंद्रजीत सिंह, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, चौरी चौरा की विधायक संगीता यादव ने कहा। और देश ले आएंगे सर और लक्ष्यों को पूरा करेंगे। हमारे और अभियंताओं को वापस लौटाने का काम किया है, और उसके बाद ऐसी कुल संख्या 613 लोगों के आपके कार्यक्रमों के द्वारा 2 नवंबर 2019 को जहां बताया नियमों का ध्यान रखते हुए उनको वहां पर पदस्थापित किया गया। मैं समझता हूं कि यात्रियों 2019 में पदस्थापना कर रहे थे, इस तरीके का कार्य संभव है, हम लोग कभी नहीं सोचते थे, और इस महत्वपूर्ण कड़ी के माध्यम से हम अच्छा कार्य कर पाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नई प्रक्रिया है, और उससे भी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि धनतेरस के शुभ अवसर पर इन जो नौ चयनित हमारे और अभियंता है, इनके जीवन के लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। निश्चित रूप से हम सब लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और पूरे भारत के अंदर जैसा कि अभी नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, संध्या जी कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर। देखिए आज महिलाओं में आपने एकदम टॉप स्थान प्राप्त किया है। जी सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने वहाँ ऐसा धमकी तो नहीं दिया था? नहीं सर। सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना किसी से? नहीं नहीं सर, किसी तरह भी किसी चीज की जरूरत नहीं। और किसी ने पैसे की मांग तो नहीं की थी? नहीं सर, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती हुई है, और इसमें मुझे अपने मनपसंद जिले में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, बहुत सुंदर। एक तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके माताजी पिताजी होंगे, भाई बहन होंगे, सभी लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उस परीक्षा में आपने महिलाओं के उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। टोटल जो रैंकिंग है उसमें 24वां स्थान आपका आया है। एक उपलब्धि आपके नाम पर है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। निष्पक्ष तरीके से धनतेरस के दिन आपको ये उपलब्धि प्राप्त हो रही है, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप अभी बताइए, क्या आप लोग ठीक ढंग से काम करेंगे इसी निष्ठा के साथ, इसी तन्मयता के साथ और इसी प्रतिबद्धता के साथ जो शासन ने जो एक माहौल आपको दिया है, आपके पूरे जो सहयोगी आज चयनित हो रहे हैं, इन सभी लोगों को जो अवसर मिला है, क्या आप लोग भी इसी प्रकार का एक माहौल पूरे विभाग के अंदर देंगे? जी सर बिल्कुल, जिस निष्पक्ष तरीके से हमें ये नौकरी दी गई है उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करें, और आपके द्वारा आपके गाइडेंस में जो हमें कहा जाएगा हम उसका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई आपको, और धनतेरस और दीपावली की भी मंगल में शुभकामनाएं आपको भी। राजेश
और आपको जो है कहाँ कौन जनपद मिला है? सर ललते चप्पल के हिसाब से अंत में व्यक्ति बोलते हैं यार इससे अच्छा तो कहीं में रहकर काम करना। ये स्थिति दोनों सेना घटकर के तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया भी और बाद में पदस्थापना की प्रक्रिया को भी जिस पारदर्शी तरीके से विभाग ने अपनाया है, ये वास्तव में इसका श्रेय जनता को जाता है और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को जिनको विधायक के रूप में आप लोगों ने चुना है, इनकी मेहनत को जाता है कि आज इस प्रकार की व्यवस्था हम देने में सफल हो पाए हैं। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको और आपके परिवार के लोगों को आपने हासिल की और इस उपलब्धि के बल पर आप लोग इसी प्रकार की मेहनत करके प्रदेश के अंदर परिणाम भी देने का कार्य करेंगे। धनतेरस की और दीपावली की बधाई और वर्चुअल मेरे साथ जुड़े हुए विभाग के राज्य मंत्री सरदार नवदेव सिंह गोलम जी, विजय कश्यप जी, सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आरके तिवारी जी, प्रदेश शासन के सभी हमारे अपर मुख्य सचिवगण, प्रमुख सचिवगण, जल शक्ति विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, जनपद स्तर पर हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और चयनित हमारे सभी 1438 नए इंजीनियर। मैं सबसे पहले आप सबको लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन पर बधाई देता हूँ। आप सबका प्रदेश सरकार के इस महत्वपूर्ण विभाग में हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप जी हमने जुड़े माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण एवं माननीय विधायकगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित मनीष कुमार गुप्ता जी पंकज जिससे बात करो तो एक रुकना जरा संध्या कन्नौजिया, यहाँ गोरखपुर की रहने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुरूप निष्पक्ष तरीके से हमें दिया गया है, उसके लिए उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहते हैं। धनतेरस के अवसर पे आपको ये नेतृत्व मिला है, कितनी खुशी? बहुत ही खुशी है, इसीलिए हम उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से संवाद हुआ आपका? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम तुलिका श्रीवास्तव है, बस्ती में ज्वाइनिंग है ये, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सरकार के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें आज ये नियुक्ति पत्र दे के बहुत आभार उन व्यक्त करना चाहती हूँ। सर ये 7 साल की वैकेंसी है और अब जाके ज्वाइनिंग मिल रही है हम लोग को, तो 7 साल हम लोग को संघर्ष करना पड़ा है।
योगी सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और उनकी वजह से आज हम लोग को नियुक्ति ज्वाइनिंग मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग में 1438 जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए और हमारे गोरखपुर में भी टोटल जो 48 लोगों को माननीय विधायक अध्यक्षता चौरी चौरा के अध्यक्षता में और बाकी अध्यक्षता में सब 48 लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जूनियर इंजीनियर्स को कहा है कि सब लोग जिस पारदर्शिता से साथ ये नियुक्ति की गई है और जिस पारदर्शिता के साथ पद स्थापना की गई है, पोस्टिंग की गई है, और उसी तरह से सब लोग विभाग में आके एक अच्छा कार्य करेंगे और क्योंकि योग्यता के आधार पर ही सबको लिया गया है और कार्य भी ऐसे और अच्छा करके विभाग का भी और उत्तर प्रदेश का भी एक तरक्की की तरह पे लेके जाएं। अभी जितने भी लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है उनसे वार्ता में एक हर्षोल्लास है और धनतेरस के कारण सब उनके जो परिवार हैं सब खुश हैं, तो एक बहुत ही हर्ष का माहौल है सबके। तो बधाई देना चाहेंगे अपने प्रदेश के सुशील मुख्यमंत्री जी को, पूज्य योगी जी महाराज को, कि आज जो है जल शक्ति मंत्रालय में 1438 इंजीनियर्स को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। उसमें तमाम महिलाएं भी हमारी थीं और हमारे ही क्षेत्र की एक संध्या कन्नौजिया है, वो प्रदेश में टॉप की है, तो उसको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहेंगे। तो उन परिवारों में बहुत खुशी है कि जिनके परिवार का लड़का एक रुपया कहीं खर्च नहीं हुआ और आज वो इंजीनियर्स हो गया, और यह उम्मीद की जा रही है कि वो लोग अच्छा कार्य करेंगे। जब कहीं से कोई पैसा दे के नहीं आएंगे या कोई सिफारिश से नहीं आएंगे तो उम्मीद की जा रही है कि अच्छा करेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। कि जब हम लोग एग्जाम देते थे तो ये बहुत दूसरी सरकारें थी तो ये बहुत पैसा इच्छा होती थी कि बिना लेन देन की कुछ नियुक्ति हमारी भी होती। इस बड़ी बहुत बड़ी मैं जितना धन्यवाद करना चाहूँ उतना कम है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग सभी अभ्यर्थियों से पूछा कि जानना चाहिए भाई कहीं देन लेन दी थी, पारदर्शी तरीके से इनको नियुक्ति पत्र दिया गया है, चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देना चाहती हूँ। और आज धनतेरस का दिन है, इतने शुभ दिन उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला है, इसके लिए मैं फिर आगे दोबारा बधाई देना चाहती हूँ। देखिए सिंचाई विभाग में बहुत हम लोग भी जैसे विधायक हैं, सिंचाई विभाग के काम में आज तक बड़ी असंतुष्टि देखी गई है, तो नए अभ्यर्थियों से ये हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अपने उन भ्रांतियों से बाहर आए और जितना निष्पक्ष तरीके से उनको ये दिया गया नियुक्ति उसी तरीके से अपने काम में भी पारदर्शिता लाए, यही अपेक्षा की गई माननीय मुख्यमंत्री जी ने, यही हम लोग भी करते हैं।